नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त देवाशीष। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हों। और आज का वीडियो होने वाला छोटा वाला वीडियो, और आज रात को जो वीडियो आने वाला है वो आपके सामने ही रखा हुआ है। तो इसके ऊपर वीडियो आज रात को मैं डालने वाला हूँ, तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसका जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो उस वीडियो में मैंने एक चीज़ नहीं दिखाया था, वो बाद में दिखा देता हूँ। तो आप लोग बोलोगे क्या आपके सर्किट में उतना वोल्टेज काम कर रहा है कि नहीं, मैंने उस वीडियो में नहीं दिखाया हूँ। तो इस वीडियो में मैं दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो ये देखिए कितना वोल्ट शो कर रहा है, +71.4 वोल्ट। और यहाँ पर शो कर रहा है, ये देख लीजिए, यहाँ पर शो कर रहा है -71.4 वोल्ट। तो सर्किट में भी उतना ही वोल्ट जा रहा है। तो आपको उस वीडियो में मैंने नहीं दिखाया है, तो वो छूट गया था, तो छोटा सा वीडियो करना था तो मैंने कर दिया। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो रहने वाला है, ये जो दो कॉयल है आप लोग देख लीजिए, सिमिलर सा कॉयल है दोनों के दोनों, लेकिन फ़र्क कितना है आप लोग देख लीजिए। ये वाला है एल्युमिनियम के अंदर और ये वाला है कॉपर के अंदर, जो कि मेरे पास से मिलता है। तो ये वाला ट्रांसफार्मर है 15015 का ट्रांसफार्मर, जो कि मैंने भी 15015 का ही बंधा हुआ है, लेकिन कॉपर के अंदर। तो एल्युमिनियम में कस्टमर ने ख़रीदा था, तो क्या हुआ, थोड़े दिन चलने के बाद ख़राब हो चुका है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो मैं आपको एल्युमिनियम में क्या फ़र्क होता है वो पहले चीज़ आप लोग देख लीजिए। जो पहला डिफरेंस आता है वो होता है वेट के अंदर, जो मैं आपको इस मीटर के अंदर माप के दिखाता हूँ। तो आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, ये देख लीजिए 115 ग्राम इसका वेट है, ठीक है। तो फिर से और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए, मैंने उठा लिया पूरा का पूरा, देखिए 115 ग्राम का इसको, ये जो कॉयल है इसका वेट है, लेकिन ये भी 15015 का है, 4 एम्पेयर 6 एम्पेयर लिख के दिया था, तो ये 6 एम्पेयर नहीं है, इससे लगभग 3 एम्पेयर के 2.5 एम्पेयर का लोड निकलता था। तो अब मैंने जो कॉयल इसके लिए तैयार किया है, कोर तो हालांकि वही रहने वाला है, तो कोर में नहीं दिखा रहा हूँ, तो आपको वोल्टेज में शो करके दिखाता हूँ। तो देख लीजिए फिर से मल्टीमीटर सेट हो चुका है, तो मैंने पूरा का उठा लिया और अब देख ही लीजिए 290 ग्राम, ठीक है, 290 ग्राम का अब इसका कॉयल जो कि है बन चुका है। और ये वाला कॉयल अगर फुलफिल होता है तो इसमें लग जाता है, अगर मैं इसमें ही तो 3030 का कॉयल बनता है, तो तब लग जाता है 410 ग्राम कॉपर इसके अंदर लग जाता है। तो एल्युमिनियम और कॉपर में वेट का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो देखिए आपको जो ट्रांसफार्मर मिलेगा, अगर वो एल्युमिनियम का देता है कोई, तो उससे वो बहुत ज़्यादा लाभ उठा पाएगा, ठीक है। तो उससे हम लोग, उससे तो मैं कम्पीट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया कॉपर एल्युमिनियम का दाम भी कम होता है और वेट भी कितना कम है। इसके वेट में ये वाला ट्रांसफार्मर 2 बन जाएगा, आराम से 2 बन जाएगा इसके वेट से, तो एल्युमिनियम से 2 बन जाएगा। तो इसमें एक ही बना है, जो कि 300 ग्राम, लगभग 300 ग्राम का कॉपर इसमें घुस चुका है, सिर्फ और सिर्फ 15015 का सप्लाई निकला है। फिर इसमें जो और एक सप्लाई निकलने वाला है, तो उससे तो 10-20 ग्राम तो वो भरने वाला ही है। तो वीडियो करने का जो मकसद था वो आपको दिखाना था कि आप लोग देखिए जो कॉपर और जो एल्युमिनियम है उसमें कितना अंतर है। और एक बात, कॉपर में जो पावर आप लोग पाते हो वो एल्युमिनियम से मैं नहीं जानता हूँ, अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट करना। मुझे तो नहीं लगता है कॉपर से एल्युमिनियम का पावर परफॉर्मेंस अच्छा होता है, लेकिन हाँ, अगर इससे थोड़ा मोटा गेज का अगर एल्युमिनियम यूज़ करते हैं तो शायद से परफॉर्मेंस अच्छा होगा, लेकिन इसका जो लॉन्गजिविटी है इससे बहुत ज़्यादा है, इससे तो नहीं आएगा, ये कितना हल्का है, कितना हल्का। तो मैंने आज का वीडियो यही था। तो ये वाला ट्रांसफार्मर, ये सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो आज रात को डाल दूंगा, वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो बस वीडियो में इतना ही था और कुछ नहीं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे रहो।
और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहो, और सभी को जय हिंद। तो मिलता हूँ रात को इस वाले साउंड टेस्टिंग के ऊपर, तो देखना मत भूलना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। और आप लोगों को जो प्रॉपर स्किप ना करके देखना, क्योंकि इसके ऊपर जो साउंड टेस्टिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला साउंड टेस्टिंग है। और स्पीकर लगभग उस वाले वीडियो तो मैंने आगे कर लिया हूँ, तो उस वाले वीडियो मैंने नहीं बताया। तो ये जो स्पीकर है ये थोड़ा सा जल चुका है, क्योंकि जो स्मेल है इसके अंदर से निकल रहा है। और फिर भी उस वीडियो देख लीजिए, उस वीडियो में हर कुछ दिखाया गया है, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, जिससे आपको छूट जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ रात को, वो वाला वीडियो लेकर अपलोड कर दूँगा। तो अभी के लिए टाटा, अच्छे रहो, खुश रहो और गाना सुनते रहो।